हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ रिव्यू एंड डेमो ऑफ ओरिएंटल बोटैनिक एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश का और साथ ही साथ 4-in-1 स्क्रब का जो कि स्क्रब इसी का है। सो ये है इसकी एक्चुअल पैकेजिंग जो कि ब्लैक कलर के बॉटल में आता है पंप के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न है ओरिएंटल बोटैनिक एक्टिवेटेड चारकोल ब्राइट ग्लो फेस वॉश। साथ ही साथ इसके 3 पॉइंट भी मेंशन है यहाँ पर, डीप क्लिनजिंग, वाइटनिंग एंड रिफ्रेशिंग। ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं कि नहीं होती हैं वो हम डेमो में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये है फॉर ऑल स्किन टाइप। ये पंप के साथ आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटेट करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा एंड अगेन रोटेट करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। इट मींस ये काफ़ी हद तक ट्रैवल फ्रेंडली है तो आप इसे रख कर ट्रैवल कर सकते हो। सो चलो अब हम इसके बाकी के क्लेम्स देख लेते हैं। आप यहाँ पे इसको रोटेट करोगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ मेंशन मिलेगा, जैसे कि इसमें है नो मिनरल्स ऑयल, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो सल्फेट, कोई भी कलर नहीं है और प्योर एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पर आपको मेंशन है इसकी क्वांटिटी 200 ml। प्राइस है इसका 899। आई नो काफ़ी हद तक महंगा है बट ट्रस्ट मी, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, अमेज़ॉन पे काफ़ी टाइम ज़्यादा सेल रहती है तो ये हमेशा डिस्काउंट पे रहता है। और साथ ही साथ इसकी 2 ईयर की एक्सपायरी डेट है। अगर आप इसको बंद रखते हो तो, अगर एक बार ओपन कर लेते हो तो आपको इसको 1 साल के अंदर ही अंदर फिनिश करना होता है। यहाँ पर सारा का सारा लिखा हुआ है इस प्रोडक्ट के बारे में। आप एक क्लोजर लुक दे सकते हैं, देख सकते हैं, बट इसके जो क्लेम्स हैं, क्या क्लेम करता है और कैसे करता है, वो सारा कुछ हम बात करेंगे डेमो में। और इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन है मेंथॉल, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। मेंथॉल है तो इस काफ़ी लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस होती है तो ये समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और आप तो समर चल ही रहे हैं तो आप इसको एक ट्राई ज़रूर दे सकते हैं। ये अभी तक का मेरा फेवरेट बन चुका है लाइक चारकोल फेस वॉश में, क्योंकि जितने भी मैंने यूज़ किए हैं, अभी मैंने पॉन्ड्स का यूज़ किया है, इसके बाद मैंने यूज़ किया था आई थिंक हेल्थवेट का जो मुझे फैब बैग में मिला था, इसके बाद मैंने ये यूज़ किया है, और तीनों में मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। इसमें कोई पैराबेन, कोई मिनरल्स नहीं है तो आपकी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जेंटल रहता है, दैट्स वाई ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो ना अब हम बात करते हैं इसी के स्क्रब की, जो कि है एक्टिवेटेड चारकोल 4-in-1 फेस स्क्रब। और ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, और इसकी जो इनर पैकेजिंग है ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आउटर पैकेजिंग पे आपको ऊपर की तरफ इसका सिंबल मिल जाएगा जो कि है ओरिएंटल बोटैनिक्स, और सेम वो ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है। जो कुछ आपको आउटर पैकेजिंग पे मेंशन है वो सब कुछ आपको इनर पैकेजिंग पे भी मेंशन होएगा। इसके 4 पॉइंट्स है, एक्सफोलिएट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, ब्राइटन अप करता है स्किन को और रिफ्रेश करता है, इसीलिए ये 4-in-1 स्क्रब है। इसके बाद यहाँ पे आप साइड में आपको दिख जाएगा कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। 3 स्टेप है, यानी आपको पहले फेस को वॉश करना है, देन स्क्रब करना है, और अपना जो 3rd स्टेप में आपको अच्छी सी स्किन मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इसको यूज़ कैसे करना है ये भी दिया गया है, बट स्क्रब को हमेशा 2 मिनट के अंदर ही अंदर यूज़ करना चाहिए, बट इसमें 30 सेकेंड्स लिखे हुए हैं जो कि मैं मानती हूँ कि यस, आपको 30 सेकेंड तक ही इसको यूज़ करना चाहिए। डेली के लिए ठीक नहीं है बट वीक में आप इसको 2 बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें भी लिखा हुआ है नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल्स ऑयल, नो सल्फेट, और ये 100% वेगन प्रोडक्ट है। इसकी कंटेंट है 100 ग्राम, एक्सपायरी है आपको अगेन मिल रही है 2 ईयर्स की, और एमआरपी की बात करेंगे हम आगे। और अब चलिए अब हम इसका इनर पैकेजिंग देख लेते हैं कि ये कैसा है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप ये भी है, आपकी ड्राई हो, सेंसिटिव हो, ऑयली हो, कैसी भी स्किन हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, मेरी ड्राई स्किन है, मैंने इसे यूज़ किया और ये मुझे परफेक्टली काम करता है, बट मैं इसे हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 1 ही बार यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हैं ये ब्लैक एंड गोल्डन कलर की पैकेजिंग के साथ आता है, जो कि ब्लैक एंड गोल्डन यार मेरा तो फेवरेट है। यहाँ पर आपको इसकी MRP दिख जाएगी जो कि है 699 रुपीज़। आई नो इट्स लिटिल बिट कॉस्टली बट ये भी सेल में रहता है। और इसके भी इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप देख सकते हो कि मेंथॉल है और ग्रीन टी है, लिक्योराइस है। लिक्योराइस में चाहे फेस वॉश हो चाहे स्क्रब हो, ब्राइटन अप करता है आपकी स्किन को। ये अगर आप इसको ओपन करोगे देख रहे हैं आप, इसके लिड मिलेगी यानी डबल सिक्योरिटी मिल रही है, और इस लिड को हटाओगे तो आपको अंदर स्क्रब मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी हद तक ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको ट्रैवल कर सकते हो लेके। और कोई ग्लास बॉटल या ग्लास जार नहीं है तो काफ़ी हैवी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। सो ना अब हम डेमो देख लेते हैं, और डेमो में मैं आपको बताती चलूँगी कि ये क्या क्या क्लेम करता है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ताकि आपको दिखा दूँ कि मेरे चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं है, और यू नो फेस वॉश लगाने जा रही हूँ तो क्लीन तो करना बनता ही है, मतलब गीला तो करना बनता ही है। अभी मैं थोड़ा सा अमाउंट ले रही हूँ और अपने फेस पे अच्छे से इसे
लेदर करूँगी, लाइक झाग बनाना है और इसको अपनी फेस पर लगाना है। तो इस फेस वॉश की जो क्लेम्स हैं वो है इम्प्योरिटीज़ को हटाता है, जो कि सारी डर्ट्स पॉल्यूशन उसे रिमूव करता है। सेकेंड है डल स्किन को रिड्यूस करता है, इसमें विटामिन सी है तो आपकी स्किन की चमक यानी ल्यूमिनोसिटी को बढ़ाता है। इसके बाद है स्किन को ब्रीथ करने देता है, जब भाई सारी स्किन से इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी तो यार स्किन तो ब्रीथ करेगी। और लास्ट है एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, अगर ऑयली स्किन है एक्सेस ऑयल है तो उसको रिमूव करेगा, जो आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स और एक्ने को बढ़ाता है। मेरी स्किन में ऑयल नहीं है बट स्टिल एक्नेज होते हैं, तो इससे जिससे होता गया है कि आपके क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने फेस वॉश को कर लिया है रिमूव और यहाँ पर आप इंस्टेंट ब्राइटन अप मेरा स्किन खुद ही देख सकते हैं। इसमें कोई कैमरा ट्रिक नहीं है, सब मैं आपके सामने कर रही हूँ और मैं आपको अपनी हर साइड से फेस दिखा दे रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है। और बहुत ही ठंडा और बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट आ रहा है मुझे, और एकदम क्लीन फेस है, मतलब हाथ रख रही हूँ तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, फिसला जा रहा है मेरा हाथ। सो नाउ अब हम डेमो देख लेते हैं स्क्रब का। तो ये है स्क्रब 4-in-1 स्क्रब, एक्सफोलिएट करता है यानी आपकी डेड स्किन को निकालता है, डिटॉक्सिफाई करता है यानी आपकी स्किन से सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल देता है, तो डिटॉक्सिफाई कर देता है, ब्राइटन अप करता है और रिफ्रेश करता है। ब्राइटन अप करता है क्योंकि डेड स्किन निकल जाती हैं, ऊपर की लेयर जो है धुंधली सी लेयर जो होती है वो हट जाती है, तो ब्राइटन अप आपकी स्किन हो जाती है। और रिफ्रेश करता है, इसमें मेंथॉल है तो आपको रिफ्रेशिंग फील होएगा। सो अभी मैंने थोड़ा सा अमाउंट लिया है और ऐसे मैं अपनी फेस पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, और इसे आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है सर्कुलर मोशन में। अगर आपको इस स्क्रब के फेशियल के स्टेप्स नहीं आते हैं तो प्लीज़ कोई भी स्टेप फॉलो मत करिए, जस्ट आप इसको सर्कुलर मोशन में नो ब्लेंड करिए, लाइक मसाज करिए और आई एरिया से दूर रहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक एरिया होता है। और स्क्रब इसमें हैं वॉलनट शेल पार्टिकल्स, इस स्क्रब में आपको विटामिन सी, ई, बी ई, बी फाइव और वॉलनट शेल पार्टिकल्स मिलेंगे और साथ ही साथ मेंथॉल मिलेगा, तो मेंथॉल आपकी स्किन को रिफ्रेश करेगा। ये 100% वेगन प्रोडक्ट है तो आप इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो, ख़रीद सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन है फेस वॉश के लिए भी और स्क्रब के लिए भी। और अब मैं इसे हो चुके हैं 30 सेकंड और मैं इसे अब रिमूव कर दूंगी इस गीले स्पंज से, और आप इंस्टेंटली मेरी जो फेस है उस पर अंदर की तरफ चमक देख सकते हो कि आ रही है यार चमक, और कोई भी कैमरा ट्रिक नहीं है। सो अब मैंने अच्छे से अपने फेस को रिमूव कर लिया है जितना भी स्क्रब था, और पानी से मैं पोंछ के उसके पानी से मैं भिगो के साफ़ करके अब मैं इसको पैट ड्राई कर लूँगी अपने फेस को, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट देखने से पहले प्लीज़ अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे आप फॉलो करिए सारे के सारे डिटेल्स के लिए। और ये है इसका फाइनल रिज़ल्ट, आप देख सकते हैं एक हेल्दी ग्लो है नोज़ पर, मेरे चिक बोन्स पर बिना हाइलाइटर के। सो यस, और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा फेस वॉश पसंद आया है। इन सारे के सारे प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, आप ट्राई आउट कर सकते हो अमेज़ॉन पर्पल, और साथ ही साथ इनके वेबसाइट की लिंक भी मैं देने वाली हूँ। मेरी तरफ से दोनों के दोनों आप रिकमेंड करती हूँ मैं। सो मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।